हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी ट्रेड में स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं आज हम ऐसे दो पैरामीटर की जो कि आपको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत मदद करेगा। तो पहला है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जानने के लिए हमें फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले से ही निकाला हुआ रहता है। आप अपने जब शेयर्स स्टॉक देखेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो उसके फंडामेंटल में ये सारे दिए हुए थे। जनरली देखा जाता है कि 15-20% के ऊपर का जो आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, वो बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों आप सिर्फ वही देखिए और उससे ज़्यादा कुछ मत देखिए, स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ईजी हो जाता है। अब सेकेंड पैरामीटर की बात करें, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला है आरओसी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे एबिट कहते हैं, एबिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो आपका आरओसी निकल जाता है दोस्तों, और ये हमें ये भी बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि 15% का आरओसी जो होता है, 15% के ऊपर का आरओसी होना चाहिए, और तब ऐसा माना जाता है कि कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो पैरामीटर मैंने आपको बताए। पहला बताया मैंने आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा बताया मैंने आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। दोस्तों तो उसके परसेंटेज भी बता दिए कि आरओसी जो होता है, आरओसी 15% के ऊपर का बेहतर माना जाता है, और आरओई जो है वो 15-20% के ऊपर का अच्छा माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।